डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, डीएनपीजी कॉलेज हिसार। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में हम एरियल फोटोग्राफी और एरियल फोटोग्राफ्स के बारे में अध्ययन करेंगे। इस पूरे लेक्चर के अंदर हम एरियल फोटोग्राफी क्या है, एरियल फोटोग्राफ्स क्या हैं, एरियल फोटोग्राफी के लिए किस किस एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है या किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, एरियल फोटोग्राफी की विशेषताएँ क्या है, एरियल फोटोग्राफी या एरियल फोटोग्राफ्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ और कितने तरह के एरियल फोटोग्राफ्स होते हैं, इनका अध्ययन हम इस लेक्चर के अंदर करेंगे। सबसे पहले कि एरियल फोटोग्राफी क्या है। एरियल फोटोग्राफी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम हवा से किसी भी एरिया का फोटोग्राफ्स लेते हैं। हवा से फोटोग्राफ्स लेने के लिए हमें एयर मीडियम की आवश्यकता होती है और वो एयर मीडियम एयरबोर्न व्हीकल होते हैं। वो एयरबोर्न व्हीकल एयरक्राफ्ट हो सकता है, ड्रोन हो सकता है, बैलून हो सकता है, काइट्स, पिजन, ऐसा मीडियम जो हवा में उड़ता है, ऐसे व्हीकल जहाँ पर प्रेसाइज कैमरा लगा हुआ होता है। जो प्रेसाइज कैमरा क्या होता है, जो अच्छी कंडीशन के अंदर होता है और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देने वाला होता है, ऐसा प्रेसाइज कैमरा इन एयरबोर्न व्हीकल के ऊपर लगा हुआ होता है और फिर हवा से उस एयरबोर्न व्हीकल से किसी भी भाग का फोटोग्राफ लिया जाता है। तो जो ये पूरी प्रोसेस है एयरबोर्न व्हीकल से या हवा से किसी भी भाग का जब हम फोटोग्राफ्स लेते हैं तो उस फोटोग्राफ्स लेने की जो प्रोसेस है वो एरियल फोटोग्राफी कहलाती है और जो ये फोटोग्राफ्स हमें मिला है वो एरियल फोटोग्राफ कहलाता है। एरियल फोटोग्राफी क्या है? यह एक ऐसी आर्ट है, एक ऐसी साइंस है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो किसी भी एयरबोर्न प्लेटफॉर्म से किसी भी भूभाग का एरियल फोटोग्राफ्स लेते हैं। उसके बाद है कि एलिमेंट्स ऑफ एरियल फोटोग्राफी। एरियल फोटोग्राफी करते समय हमें किस किस एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है, किस किस एलिमेंट्स या किन किन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले एरिया का सिलेक्शन होता है कि किस एरिया की हमें एरियल फोटोग्राफी करनी है। उस पिन दो तरह की से हम एरिया का सिलेक्शन करते हैं, पिन पॉइंट फोटोग्राफी और ब्लॉक पॉइंट फोटोग्राफी। पिन पॉइंट फोटोग्राफी वो फोटोग्राफी है जिसके जो स्मॉल एरिया के लिए की जाती है। किसी भी एरिया का अगर हमें एक फोटोग्राफ, दो फोटोग्राफ चाहिए तो उस तरह की जो फोटोग्राफी एरियल फोटोग्राफी होगी वो पिन पॉइंट फोटोग्राफी होगी। और ब्लॉक पॉइंट फोटोग्राफी जब किसी विस्तृत भूभाग के लिए, किसी स्टेट का हो सकता है, किसी कंट्री का, अगर हमें एरियल फोटोग्राफी करना है तो पूरी कंट्री के या स्टेट के भूभाग को हम स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और फिर उस एरिया की फोटोग्राफी करते हैं। तो इस तरह की जो फोटोग्राफी होगी वो ब्लॉक पॉइंट फोटोग्राफी होगी। स्मॉल एरिया के लिए पिन पॉइंट फोटोग्राफी और विस्तृत एरिया के लिए ब्लॉक पॉइंट फोटोग्राफी होती है। जब एरिया का सिलेक्शन हो जाता है तो फिर हमारा पर्पज क्या है, उस एरिया की फोटोग्राफी करने का पर्पज क्या है, उस पर्पज के ऊपर ही सारी जो प्रोसेस है वो डिपेंड होती है। जब पर्पज हमारा डिसाइड हो जाता है उसके बाद हम उस एरियल फोटोग्राफी का स्केल निर्धारित करते हैं। जो हमारा पर्पज है वो पर्पज के ऊपर ही ये स्केल निर्धारित होता है। पर्पज अगर हमें उस एरिया की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए, डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए हमें लार्ज स्केल निर्धारित करना पड़ता है। और जब हम उस एरिया की मिनिमम इंफॉर्मेशन चाहिए, सिर्फ मेजर इंफॉर्मेशन चाहिए कि उस एरिया के अंदर एक ही नज़र में देख कर बता सके उस एरिया में क्या क्या है, तो हमें मिनिमम इंफॉर्मेशन चाहिए तो स्मॉल स्केल निर्धारित करना पड़ता है। और जो स्केल का निर्धारण है वो जो एयरक्राफ्ट धरातल से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, मान लीजिए एयरक्राफ्ट हमारा यहाँ उड़ रहा है और धरातल की हाइट ये है, तो जो ये धरातल की हाइट है और इस एयरबोर्न व्हीकल के अंदर जो कैमरा माउंट होता है, उस कैमरे के अंदर जो लेंस यूज होता है, उस लेंस की फोकल लेंथ और जो एयरक्राफ्ट की हाइट है उसके द्वारा स्केल का निर्धारण होता है। जितनी हाइट कम होगी स्केल उतना ही लार्ज होता चला जाएगा, जैसे जैसे हाइट बढ़ती चली जाएगी स्केल है वो स्मॉल होता चला जाएगा। तो इस तरह एयरक्राफ्ट की हाइट और जो कैमरा एयरबोर्न व्हीकल के अंदर यूज किया गया है उसके लेंस की फोकल लेंथ के द्वारा कैमरे का जो स्केल है फोटोग्राफ का वो निर्धारित होता है। उसके बाद कैमरे का सिलेक्शन होता है कि हमें किस तरह का कैमरा
फोटोग्राफी के अंदर यूज करना है, सिंगल लेंस कैमरा यूज करना है, डबल लेंस कैमरा यूज करना है, और उसके बाद नेक्स्ट है डिटरमिनेशन ऑफ फ्लाइट डायरेक्शन। फ्लाइट डायरेक्शन क्या है कि जिस एरिया के अंदर हमारा एयरक्राफ्ट है वो मूव कर रहा होता है वो डायरेक्शन फ्लाइट डायरेक्शन कहलाती है। और इसका डिटरमिनेशन क्यों जरूरी होता है, मान लीजिए ये पूरा एरिया है, इसका डिटरमिनेशन इसलिए जरूरी है कि उस पूरे एरिया को कम से कम स्ट्रिप के अंदर ये हमारा एयरक्राफ्ट है, एयरबोर्न व्हीकल है, इस एरिया को कवर करे कम से कम स्ट्रिप के अंदर, इसलिए फ्लाइट डायरेक्शन का निर्धारण है वो जरूरी होता है। उसके बाद है टाइम। जब हम किसी भी एरिया की फोटोग्राफी कर रहे होते हैं तो टाइम भी जो सिलेक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। नॉर्मली 9 से 3 बजे तक का जो टाइम है वो एरियल फोटोग्राफी के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपयुक्त टाइम माना गया है। उसके बाद है वेदर। मौसम का ध्यान रखना भी एरियल फोटोग्राफी के वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसमें मौसम साफ होना चाहिए और जो सन है वो लगभग 30 डिग्री के ऊपर के होरिजन के ऊपर वो होना चाहिए, क्योंकि उस समय जो शेडो है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो कम से कम होती है, इसलिए वेदर का ध्यान रखना भी जरूरी होता है। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरियल फोटोग्राफी। एरियल फोटोग्राफी की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला है साइनोप्टिक व्यू। साइनोप्टिक व्यू क्या है, साइनोप्टिक व्यू जब हम किसी भी एरिया की फोटोग्राफी कर रहे होते हैं तो हम उस एरिया को ऊपर से देख रहे होते हैं, जो हमें इस एरिया का आई बर्ड व्यू दिखाई दे रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है उस आई बर्ड व्यू की वजह से कि हमें जो इस एरिया की जितना भी स्पेशियल एक्सटेंट है वो हमें इस फोटोग्राफ के अंदर दिखाई देता है। किसकी वजह से, साइनोप्टिक व्यू की वजह से, आई बर्ड व्यू की वजह से हम इस एरिया को ऊपर से देख रहे हैं। ऊपर से देखने की वजह से जिसका स्पेशल एक्सटेंट है वो हमें दिखाई दे जाता है, तो वो व्यू इस एरिया का जो स्पेशल एक्सटेंट का व्यू हम आई बर्ड व्यू से प्राप्त कर रहे हैं वही साइनोप्टिक व्यू कहलाता है। सेकेंड है टाइम फ्रीजिंग एबिलिटी। टाइम फ्रीजिंग एबिलिटी क्या है, इससे हम किसी भी एरिया का जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है वो देख सकते हैं, जैसे 2010 के अंदर किसी भी एरिया का डेवलपमेंट क्या था और 2020 के अंदर किसी भी एरिया की डेवलपमेंट क्या हुई है। तो जो ये चेंज आया है, यहाँ 2010 के अंदर जो टाइम था किसी भी भूभाग का उसके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट हुई थी और 2020 के अंदर उसके अंदर कितना चेंज आया है, इस 10 साल के पीरियड के अंदर कितना चेंज हुआ है, वो चेंज हम इन एरियल फोटोग्राफ्स के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। इन्होंने जो 2010 का समय था और 2020 का जो समय था उस समय को रिकॉर्ड करके फोटोग्राफ्स के रूप में हमारे पास प्रेजेंट कर दिया है, तो उन दोनों को हम कंपेरेटिव स्टडी के लिए भी यूज कर सकते हैं। थर्ड है कैपेबिलिटी टू स्टॉप एक्शन, कि जो एरियल फोटोग्राफी है जो डायनामिक एक्शन इस अर्थ सरफेस पे हो रहे हैं उन डायनामिक एक्शन को स्टॉप करके, कि जो फोटोग्राफ्स ले लेते हैं हम उस फोटोग्राफ्स के अंदर वो डायनामिक प्रोसेस है वो रुक जाती है और उस डायनामिक प्रोसेस के रुकने के बाद हम उसका डिटेल्स स्टडी कर सकते हैं। जैसे स्ट्रीम फ्लो है, उस स्ट्रीम फ्लो का हम डायरेक्ट हम उसका अध्ययन नहीं कर सकते हैं, हम उस एक्शन को स्टॉप करके ही उसका अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद है 3D परस्पेक्टिव, कि जो एरियल फोटोग्राफ्स हमें मिलते हैं, जो एरियल फोटोग्राफी की जाती किसी भी एरिया की, मान लीजिए पहला फोटोग्राफ्स ये फोटोग्राफी कर रहे हैं, हम इस एरिया की फोटोग्राफी कर रहे हैं, ये पहला फोटोग्राफ है, तो जो दूसरा फोटोग्राफ लेंगे तो पहले फोटोग्राफ का कुछ ना कुछ पार्ट्स दूसरे फोटोग्राफ्स के अंदर भी कवर किया जाता है, जिसको हम ओवरलैपिंग कहते हैं। मान लीजिए पहला फोटोग्राफ ये आया, फिर दूसरा फोटोग्राफ ये आया, फिर तीसरा फोटोग्राफ ये आया, तो जैसे ये फोटोग्राफ्स हम प्राप्त कर रहे हैं, पहला फोटोग्राफ, फिर दूसरा फोटोग्राफ और फिर तीसरा फोटोग्राफ, तो ये ओवरलैपिंग, ये पहले फोटोग्राफ का कुछ एरिया दूसरे फोटोग्राफ्स के अंदर
होता है। तो जैसे 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 ये ओवरलैपिंग होती है तो हम स्टीरियोस्कोप की सहायता से किसी भी ऑब्जेक्ट का 3D व्यू प्राप्त कर सकते हैं। 3D व्यू प्राप्त करने में भी एरियल फोटोग्राफ्स हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक इसकी सेंसिटिव टू ऑब्जेक्ट आउटसाइड ह्यूमन आइज। ह्यूमन आई ये करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जो हमारे जो मनुष्य की आंखें हैं जिन ऑब्जेक्ट्स को देख नहीं पाती है उन ऑब्जेक्ट्स को भी एरियल फोटोग्राफ है वो फोटोग्राफ्स के अंदर कवर कर लेते हैं। ऐसी फिल्म्स यूज की जाती है कि जो विजिबल बैंड है, विजिबल बैंड ऐसा कि जो मनुष्य अपनी आंखों से जिन ऑब्जेक्ट्स को देख सकता है स्पेक्ट्रम का वह भाग विजिबल बैंड कहलाता है। तो विजिबल बैंड से पहले या बाद में जो स्पेक्ट्रम रीजन है वो फिल्म भी ऐसे ऑब्जेक्ट को कवर करके फोटोग्राफ्स के अंदर रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये भी फोटोग्राफी का एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि ऐसी विशेषता है जो जिन ऑब्जेक्ट को मनुष्य की आंख नहीं देख पाती उन ऑब्जेक्टों को भी फोटोग्राफ्स के अंदर शो कर देते हैं। तो ये एरियल फोटोग्राफी की विशेषताएं हैं। अब हिस्ट्री ऑफ एरियल फोटोग्राफ। जो हिस्ट्री ऑफ एरियल फोटोग्राफ है ये बहुत लंबे समय से चलती आ रही है। ये बैलून से स्टार्ट हुई और फिर काइट्स पे और अब वर्तमान समय में ये एयरप्लेन्स, रॉक स्टैंड सैटेलाइट्स और ड्रोन की सहायता से ये फोटोग्राफी की जा रही है। इनकी सहायता से एरियल फोटोग्राफ्स प्राप्त किए जा रहे हैं। तो कुछ लैंडमार्क्स के एरियल फोटोग्राफी के इतिहास के अंदर, जैसे सबसे पहले 1827 के अंदर विश्व का पहला फोटो जोसेफ निसेफर द्वारा उनकी स्टूडियो की खिड़की से लिया गया था, जो पहला फोटोग्राफ था। उसके बाद 1829 में निप्शी ने, जो लुइस है और निप्शी दोनों के बीच कैमरा निर्माण करने के लिए समझौता हुए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा फोटोग्राफ्स किसी भी क्षेत्र के प्राप्त कर सके। उसके बाद 1858 में गुब्बारे के प्रयोग से फ्रेंच जो फोटोग्राफर थे गैस्पर फिलिक्स, उन्होंने सबसे पहले गुब्बारे का प्रयोग करके पहला एरियल फोटोग्राफ्स लिया था। उसके बाद काइट्स, पिजन और रॉकेट्स का उपयोग होने लगा। 1882 के अंदर ईडी आर्चिबाल्ड ने काइट से पहला सफल फोटोग्राफ्स लिया। उसके बाद 1890 में जो फ्रांस के आर्थर बातुत थे उन्होंने काइट के प्रयोग से कैसे फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं उनका वर्णन किया। और जो कैमरा है उसका वेट काइट से ज्यादा होने के कारण कि एक काइट की बजाय हम एक ही समय के अंदर एक से ज्यादा काइट का प्रयोग कैसे करते हैं वो वर्णन किया और एक से ज्यादा काइट जो प्रयोग है वो स्टार्ट हुआ। उसके बाद 1857 में अल्फर्ड नोबल थे उन्होंने रॉकेट के अंदर कैमरा लगाकर सफल फोटोग्राफ्स प्राप्त किया। उसके बाद 1903 में जूलियस ने वायु फोटोग्राफ्स प्राप्त करने के लिए पिजन का प्रयोग, कबूतर का प्रयोग किया और जो कबूतर के अंदर के ऊपर जो कैमरा लगा हुआ था वो उसका भार लगभग 71 ग्राम होता था। उसके बाद 1906 के अंदर लॉरेंस ने एक ही समय के अंदर 17 काइट्स का प्रयोग करके एरियल फोटोग्राफ लिया और जिसमें जो सैन फ्रांसिस्को थे उसमें भूकंप और आग प्रभावित जो क्षेत्र थे उन 17 काइट्स का प्रयोग करके उस क्षेत्र का अध्ययन किया जहां पर भूकंप आया था और आग प्रभावित जो क्षेत्र थे उनका अध्ययन करने के लिए 17 काइट्स का प्रयोग करके फोटोग्राफ्स प्राप्त किए थे। 1909 के अंदर ड्रेसडेन इंटरनेशनल फोटोग्राफिक एग्जीबिशन हुआ जिसके अंदर वायु फोटोग्राफों की प्रदर्शनी लगाई गई और जिसके बाद इस जो ये तकनीक है एरियल फोटोग्राफी इसको प्रसिद्धि मिलनी स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद एरियल फोटोग्राफ के अंदर एयरप्लेन्स का प्रयोग स्टार्ट हुआ। 1903 के अंदर ओरविल और जो विल्बर राइट ये राइट बंधु थे इन्होंने वायुयान के इस आविष्कार स्टार्ट किया और 1909 के अंदर वायुयान से पहला फोटोग्राफ लिया गया था। और जब वायुयान से फोटोग्राफी स्टार्ट हुई थी तो इन एरियल फोटोग्राफी का जो प्रथम विश्व युद्ध था उसके अंदर महत्व तो बढ़ गया था। और जब दूसरा युद्ध स्टार्ट विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था जर्मनी के फ्रिट्ज थे उन्होंने कहा था कि जिस देश के पास ये एरियल फोटोग्राफी की जो तकनीक है वो सबसे ज्यादा उत्तम होगी वही देश अगला युद्ध जीत सकता है। जिसके कारण इन एरियल फोटोग्राफी
जो प्रोसेस है, जो टेक्निक है, इसका महत्व और ज्यादा बढ़ गया। और लगभग आज पूरे विश्व के हर देश की जो वायु फोटो चित्र है, एरियल फोटोग्राफ है, उनकी रचना बड़े पैमाने पर होने लगी है, क्योंकि इन एरियल फोटोग्राफ से मानचित्र की रचना कर सकते हैं। संसाधन किस तरह के पाए जाते हैं किसी भी एक क्षेत्र के ऊपर, उन संसाधनों का दोहन कैसे हो रहा है, कैसे हम नगरीय योजनाएं उन फोटोग्राफ्स की सहायता से बना सकते हैं, उद्योगों की स्टडी कर सकते हैं फोटोग्राफ से, जिसकी वजह से इन फोटोग्राफ्स का जो महत्व है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। भारत के अंदर एरियल फोटोग्राफी लगभग 1920 से स्टार्ट हुई थी, और 1920 में आगरा का पहला एरियल फोटोग्राफ लिया गया था। उसके बाद 1923 और 1924 में इरावदी नदी के जो डेल्टाई भाग है उनके अंदर जो वन है उनका सर्वेक्षण किया गया था, और पूरे अब वर्तमान में पूरे देश के एरियल फोटोग्राफ्स तैयार कर लिए गए हैं। और भारत में एरियल फोटोग्राफ्स जो प्राप्त एरियल फोटोग्राफ्स लेने की जो जिम्मेवारी है वो भारतीय तीन एजेंसियां हैं, जैसे जो इंडियन एयरफोर्स के पास है, और एयर सर्वे कंपनी डमडम जो कलकत्ता के अंदर है, और नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी NRIC जो हैदराबाद में इसका ऑफिस है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ एरियल फोटोग्राफ्स। एरियल फोटोग्राफ्स कितने तरह के होते हैं? तो एरियल फोटोग्राफ्स अलग अलग बेसिस पर कई तरह के होते हैं, जैसे बेस्ड ऑन टिल्ट, बेस्ड ऑन स्केल, बेस्ड ऑन एंगुलर कवरेज, बेस्ड ऑन कैमरा यूनिट, बेस्ड ऑन फिल्म। ये पांच तरह के अलग अलग बेस है, इनके आधार पर जो एरियल फोटोग्राफ है वो कई तरह के होते हैं, जिनका वर्णन नेक्स्ट स्लाइड में है। एरियल फोटोग्राफ्स बेस्ड ऑन टिल्ट, जो कैमरे का एक्स है उसके अंदर झुकाव पाया जाता है, उस झुकाव के आधार पर जो फोटोग्राफ्स है वो कितने तरह के होते हैं। पहला है वर्टिकल फोटोग्राफ्स, सेकंड है ओब्लिक फोटोग्राफ्स। ओब्लिक फोटोग्राफ्स दो तरह के होते हैं, हाई ओब्लिक और लो ओब्लिक फोटोग्राफ्स, और थर्ड है हॉरिजेंटल या टेरिस्ट्रियल फोटोग्राफ्स। ये सारे टिल्ट के अकॉर्डिंग, झुकाव के आधार पर फोटोग्राफ्स हैं। उसके बाद है बेस्ड ऑन स्केल, स्केल के आधार पर फोटोग्राफ्स कितने तरह के हैं। लार्ज स्केल फोटोग्राफ है, मीडियम स्केल फोटोग्राफ है, स्मॉल स्केल फोटोग्राफ्स हैं। उसके बाद बेस्ड ऑन एंगुलर कवरेज, जो कैमरे का लेंस है उस लेंस और नेगेटिव तल के बीच जो एंगल बनता है उस एंगल के अकॉर्डिंग फोटोग्राफ्स कितने तरह के होते हैं। नैरो एंगल, नॉर्मल एंगल फोटोग्राफ, वाइड एंगल फोटोग्राफ, सुपर वाइड एंगल फोटोग्राफ। उसके बाद बेस्ड ऑन कैमरा यूनिट, कि कितने कैमरा यूज करके फोटोग्राफ्स प्राप्त किए जाते हैं, तो उसके आधार पर जो फोटोग्राफ है वो कन्वर्जेंट फोटोग्राफ और ट्राइमेट्रोगोन फोटोग्राफ्स। उसके बाद है फिल्म बेस्ड फोटोग्राफ, की जो कैमरा यूज कर रहे हैं उस कैमरे में किस तरह की फिल्म का यूज किया गया है उसके आधार पर फोटोग्राफ, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ, ट्रू कलर फोटोग्राफ, इंफ्रारेड ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ या मल्टीबैंड फोटोग्राफ। सबसे पहले है वर्टिकल फोटोग्राफ। वर्टिकल फोटोग्राफ क्या होता है कि जो ये हमारा कैमरा माउंट है किसी भी एयरबोर्न व्हीकल के ऊपर, तो जो वर्टिकल फोटोग्राफ होते हैं उसमें कैमरे का जो अक्ष है वो बिल्कुल धरातल के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, बिल्कुल डायरेक्ट स्ट्रेट कैमरे का एक्सिस धरातल के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, और जो कैमरे का जो एक्सिस है इसके अंदर लगभग 3 डिग्री तक झुकाव हो सकता है। ये जो झुकाव है वो 3 डिग्री तक कैमरे का अक्ष झुका सकते हैं वर्टिकल फोटोग्राफ्स के अंदर। वर्टिकल फोटोग्राफ्स इस तरह जो वर्टिकल फोटोग्राफ्स में प्राप्त होगा उसकी विशेषताएं क्या होती है। पहला तो कि जो कैमरे का लेंस है वो डायरेक्ट धरातल के 90 डिग्री के ऊपर इसका एक्सिस होता है, और ये जो वर्टिकल फोटोग्राफ है वो बिल्कुल स्ट्रेट धरातल को देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये स्मॉल एरिया को कवर कर रहे होते हैं। और इस तरह जो फोटोग्राफ्स में प्राप्त होते हैं या तो रेक्टेंगल प्राप्त होते हैं या स्क्वेयर होते हैं। इस तरह के जो फोटोग्राफ्स हमें वर्टिकल फोटोग्राफ से प्राप्त होते हैं वो स्क्वेयर होंगे या रेक्टेंगल होंगे। और
इस तरह के जो फोटोग्राफ के अंदर हम डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं और डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, वो भी एक्यूरेट हो, डायरेक्शन और डिस्टेंस का मेजर कर सकते हैं। वो कब करेंगे? जब ये एरिया हमारा फ्लैट होगा, तब हम डिस्टेंस और डायरेक्शन भी मेजर कर रहे सकते हैं। ये हमारा वर्टिकल फोटोग्राफ्स हैं, और इस तरह के जो वर्टिकल फोटोग्राफ्स हैं उनका उपयोग हम टोपोग्राफिकल मैपिंग और थीमेटिक मैपिंग के लिए, स्थलाकृतिक मानचित्रों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद है ओब्लिक फोटोग्राफ। जो ओब्लिक फोटोग्राफ, जैसे वर्टिकल फोटोग्राफ में बताया था कि जो कैमरे का एक्सिस है वो 3 डिग्री तक होता है, इस ओब्लिक फोटोग्राफ के अंदर ये 3 डिग्री से ज्यादा और 60 डिग्री तक होता है। जो कैमरे का झुकाव, एक्स का झुकाव, वो 3 डिग्री से ज्यादा और 60 डिग्री तक होता है। उस कैमरे के एक्स के झुकाव के आधार पर जो फोटोग्राफ है वो दो तरह के होते हैं, हाई ओब्लिक फोटोग्राफ और लो ओब्लिक फोटोग्राफ। हाई ओब्लिक फोटोग्राफ के अंदर जो कैमरे का झुकाव है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री तक होता है। जो कैमरे के अक्ष का झुकाव वो 30 डिग्री तक पाया जाता है। और इस तरह का जो फोटोग्राफ्स हैं, हाई ओब्लिक फोटोग्राफ्स, उनके अंदर हमें होरिजन दिखाई देता है। होरिजन क्या होता है कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर अर्थ और स्काई दोनों मिलते हुए दिखाई देते हैं। जैसे इस फोटोग्राफ के अंदर अगर ये फोटोग्राफ यहाँ से लिया गया है तो ये जो स्काई है और अर्थ है हमें किसी पॉइंट पर मिलते हुए दिखाई देते हैं, तो ऐसा पॉइंट होरिजन पॉइंट कहलाता है। तो इस तरह के फोटोग्राफ के अंदर हमें ये होरिजन हमें दिखाई देता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये बहुत बड़े एरिया को कवर करते हैं, तो और सारा एरिया यूजेबल नहीं होता है। जो कैमरे के अक्ष के नजदीक का एरिया होता है, जैसे ये हाई ओब्लिक कैमरे की फोटोग्राफी है, ये 40 डिग्री का टिल्ट यहाँ दिखाया गया है। इस 40 डिग्री के टिल्ट के पास का जैसे जैसे जितना एरिया अक्ष के नजदीक होगा, कैमरे के नजदीक होगा, वो एरिया तो हमें साफ दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे ये टिल्ट बढ़ता चला जाएगा जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी डल होती चली जाएगी। ये जो इन्फॉर्मेशन है सारी डल होती जाएगी। ये एरिया तो बहुत ज्यादा कवर करता है लेकिन सारे एरिया को हम यूजेबल नहीं है, वो हमारे लिए यूजेबल नहीं है। उस एरिया को किसी भी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन के अंदर हम यूज नहीं कर सकते हैं। और जो भी ग्राउंड एरिया कवर्ड किया जाता है वो ट्रैपजॉइड होता है। ट्रैपजॉइड क्या होता है कि ऐसा जैसे हम किसी भी एरिया को कवर कर रहे होते हैं तो उसके अंदर जो दो भाग है, दो लाइनें हैं, वो तो पैरेलल होती है, और ये दो लाइन, ये जो दो लाइन है वो पैलर होगी, दो भाग बुझाएं या दो भाएं उसकी पैलर होंगी और दो भाग पैलर नहीं होते हैं। तो इस तरह से इस एरिया को ये कवर करते हैं, लेकिन जो फोटोग्राफ्स हमें प्राप्त होंगे वो स्क्वेयर या रेक्टेंगल होते हैं। तो इस जो एरिया अगर हम टिल्ट इसके अंदर ज्यादा है तो टिल्ट ज्यादा होने की वजह से हम उसके अंदर डिस्टेंस और डायरेक्शन का मेजर नहीं कर सकते हैं। और इस तरह के फोटोग्राफ्स के अंदर हमेशा हमें होरिजन, होरिजन के ऐसा पॉइंट जहां पर अर्थ और स्काई मिलते हुए हमें प्रतीत होते हैं, तो इस तरह के फोटोग्राफ के अंदर हमें हमेशा होरिजन है वो दिखाई देता है। उसके बाद है लो ओब्लिक फोटोग्राफ्स। जब कैमरे के एक्स का जो टिल्ट है वो 3 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में होता है, 3 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में जो कैमरे का अक्ष का झुकाव है वो लो ओब्लिक फोटोग्राफ्स के अंदर होता है। जैसे ये कैमरा है तो इसके जो कैमरे के अक्ष का झुकाव है वो 30 डिग्री तक है, 30 डिग्री तक इसके कैमरे के अक्ष का झुकाव है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जो हाई ओब्लिक फोटोग्राफ्स है उसकी तुलना में स्मॉल एरिया कवर करते हैं। सेम ये ट्रेपजॉइड रूप में ग्राउंड एरिया को कवर कर रहे होते हैं, लेकिन जो फोटोग्राफ्स हमें प्राप्त होते हैं वो स्क्वेयर या रेक्टेंगुलर होते हैं। और कोई भी स्केल अप्लीकेबल नहीं होता पूरे फोटोग्राफ के ऊपर, इसलिए डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों यहाँ पर मेजर नहीं कर सकते हैं। और जो रिलीफ है डिस्क्रिनेबल होता है, जो हम रिलीफ देख रहे होते हैं वो
पूरी तरह से हमें दर्शनीय होता है, हम उसको देख सकते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से डिस्टोर्टेड होता है, उसके अंदर एरर होता है। और जो लो ओब्लिक फोटोग्राफ है उनके अंदर होरिजन नहीं होता है। होरिजन किस में होता है? हाई ओब्लिक फोटोग्राफ के अंदर, क्योंकि जो लो ओब्लिक फोटोग्राफ है इसमें कैमरे के अक्ष का टिल्ट सिर्फ 30 डिग्री तक जाता होता है, 30 डिग्री तक होता है। 30 डिग्री से ज्यादा टिल्ट होने पर हमें होरिजन दिखाई देने लग जाता है। उसके बाद है हॉरिजेंटल या टेरिस्ट्रियल फोटोग्राफ। इस तरह की फोटोग्राफी हम किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट देखने के लिए, उसकी ऊंचाई देखने के लिए, उस ऑब्जेक्ट के सामने से फोटोग्राफी करते हैं। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की हम यहां से फोटोग्राफी करते हैं, जिसकी वजह से क्या है, इसको हॉरिजेंटल या टेरिस्ट्रियल फोटोग्राफ कहते हैं। और इस तरह के जो फोटोग्राफ है उनका हमें फॉरेस्ट या जो प्रोफाइल्स होती हैं उनका अध्ययन करने के लिए हम हॉरिजेंटल या टेरिस्ट्रियल फोटोग्राफ का यूज करते हैं। उसके बाद है बेस्ड ऑन स्केल। स्केल के आधार पर फोटोग्राफ्स कितने तरह के होते हैं? स्केल के आधार पर 3 तरह के फोटोग्राफ होते हैं। लार्ज स्केल मैप या लार्ज स्केल फोटोग्राफ्स, ऐसे फोटोग्राफ्स जिनका स्केल 1:15,000 या उससे भी बड़ा होता है। बड़ा मीन्स कि 1:15,000, इससे जो वैल्यू है वो कम होती चली जाएगी। जितनी ज्यादा वैल्यू कम होती चली जाएगी उतना ही स्केल है वो लार्ज होता चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि उसका एरिया तो कम होगा, जो फोटोग्राफ्स हम प्राप्त कर रहे हैं एरिया है वो तो कम होगा, लेकिन जो इंफॉर्मेशन है वो ज्यादा होगी। तो लार्ज स्केल फोटोग्राफ ऐसे फोटोग्राफ्स जिनका जो स्केल है वो 1:15,000 या उससे भी बड़ा होता है। उसके बाद सेकंड क्या है, मीडियम स्केल फोटोग्राफ्स, ऐसे फोटोग्राफ्स जिनका जो स्केल है वो 1:15,000 से 1:30,000 के बीच में होगा, वो मीडियम स्केल फोटोग्राफ होंगे। स्मॉल स्केल फोटोग्राफ्स, ऐसे फोटोग्राफ्स जिनका स्केल 1:30,000 से ज्यादा होता है, ऐसे फोटोग्राफ्स जिनके अंदर इंफॉर्मेशन कम होती है और एरिया ज्यादा होता है, उस तरह के फोटोग्राफ्स है वो स्मॉल स्केल फोटोग्राफ्स कहलाते हैं। उसके बाद है बेस्ड ऑन एंगुलर कवरेज। एंगुलर कवरेज क्या होती है कि जो ये कैमरा है किसी भी एरिया को हम देख रहे होते हैं और ये कैमरा लगा हुआ है, यहां पर कैमरा लगा हुआ होता है, जहां पर ये कैमरा लगा हुआ है तो उसको एक्सपोजर स्टेशन बोलते हैं, और जहां पर ये कैमरा इस धरातल का जो प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगी, वो यहां बनेगी, और ये नेगेटिव कहलाता है, कैमरे का नेगेटिव। तो इस नेगेटिव के और कैमरे के जो लेंस के बीच जो एंगल बनता है उस एंगल के आधार पर फोटोग्राफ कितने तरह के होते हैं। ये जैसे जैसे एंगल है, ये एंगल की जो विड्थ है ये कम ज्यादा होती रहती है या होती है, उसके आधार पर फोटोग्राफ्स कितने तरह के होते हैं। इस एंगल के आधार पर, एंगुलर कवरेज के आधार पर फोटोग्राफ्स कितने तरह के होते हैं। 4 तरह के फोटोग्राफ्स होते हैं एंगुलर कवरेज के आधार पर। नैरो एंगल फोटोग्राफ्स, जिसके अंदर जो कोण है नेगेटिव और कैमरा लेंस के बीच जो बनने वाला कोण है वो 50 डिग्री से कम होता है, तो उसको हम नैरो एंगल बोलते हैं। नॉर्मल एंगल, जब जो एंगल है वो कोण है वो 60 डिग्री का होता है। वाइड एंगल, जब कोण 90 डिग्री का होता है। और सुपर वाइड एंगल, कैमरा लेंस और नेगेटिव के बीच का जो कोण है वो 120 डिग्री तक का होता है, तो वो सुपर वाइड एंगल होगा और उससे प्राप्त होने वाला जो फोटोग्राफ है वो सुपर वाइड एंगल फोटोग्राफ होगा। ये 30 डिग्री एंगल नॉर्मल एंगल फोटोग्राफ, नैरो एंगल फोटोग्राफ और नॉर्मल एंगल फोटोग्राफ और 90 डिग्री एंगल फोटोग्राफ कि जैसे जैसे ये एंगल वाइड होता चला जा रहा है एरिया कवर है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे 30 डिग्री है तो एरिया कम है, 60 है तो एरिया बढ़ गया है, 90 है तो एरिया और ज्यादा बढ़ गया, सुपर वाइड में एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद है बेस्ड ऑन कैमरा यूनिट। कैमरा
यूनिट के आधार पर, हम की जो फोटोग्राफी कर रहे हैं उसके अंदर कितने कैमरा यूज कर रहे हैं उसके आधार पर फोटोग्राफ्स कितने होते हैं। कन्वर्जेंट फोटोग्राफी और ट्राइमेट्रोगोन फोटोग्राफी। कन्वर्जेंट फोटोग्राफी क्या है कि जब हम किसी भी एरिया की फोटोग्राफी कर रहे होते हैं तो एक ही समय के अंदर दो कैमरा यूज करके हम उस एरिया की फोटोग्राफ्स उसका प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह वो फोटोग्राफ्स क्या होते हैं, कन्वर्जेंट फोटोग्राफ होते हैं, एक ही समय के अंदर दो कैमरा यूज करके। दोनों वाइड एंगल कैमरा होते हैं और दोनों वाइड एंगल कैमरा यूज करके उस एरिया की फोटोग्राफी हम प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद सेकेंड है ट्राइमेट्रोगोन फोटोग्राफ। इसमें हम एक समय के अंदर तीन तरह के कैमरा यूज करते हैं, जैसे एक कैमरा ये है, एक कैमरा ये है और एक कैमरा ये है। एक ही समय के अंदर हम तीन कैमरा यूज करके, इसके नाम से पता चल रहा है कि ट्राइमेट्रोगोन। ट्राइमेट्रोगोन मीन्स ट्री, ट्री मीन्स तीन, तीन तरह के कैमरा यूज कर। एक कैमरा तो उस एरिया की वर्टिकल फोटोग्राफी कर रहा होता है, बाकी दोनों कैमरा उसके हाई ओब्लिक फोटोग्राफी कर रहे होते हैं। तो तीन कैमरा यूज करके जब हम किसी एरिया की फोटोग्राफी प्राप्त कर रहे होते हैं तो वो फोटोग्राफ्स ट्राइमेट्रोगोन फोटोग्राफ्स कहलाते हैं। उसके बाद बेस्ड ऑन फिल्म, फिल्म के आधार पर जो फिल्म हम कैमरा के अंदर यूज करते हैं उस फिल्म के आधार पर कितने तरह के फोटोग्राफ्स होते हैं। पेनक्रोमेटिक फिल्म, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म होती है, उसके आधार पर जो हमें फोटोग्राफ्स मिलते हैं वो ग्रे टोन्स में, ब्लैक एंड व्हाइट टोन्स में हमें प्राप्त होते हैं। उसके बाद इंफ्रारेड फिल्म, जो जो ब्लैक एंड व्हाइट रीजन के आगे जो इंफ्रारेड रीजन है उनको भी कवर करते हैं। ऐसे रीजन स्पेक्ट्रम का वो रीजन जो मनुष्य अपने आंखों से नहीं देख सकता है उनको भी ये जो इंफ्रारेड फिल्म है वो भी उस भाग को कवर कर दिए हैं। और उसके बाद एक कलर फिल्म, जो कलर फोटोग्राफ है इनका में तो ब्लैक एंड व्हाइट की तुलना में ज्यादा है और इनका उपयोग भी अब बढ़ता जा रहा है। उसके बाद एक कमोफ्लेक्स डिटेक्शन, ये एक ऐसी फिल्म है जो नेचुरल वेजिटेशन है उनको रेडिश कलर के अंदर रिकॉर्ड करती है। ये कैमोफ्लेक्स डिटेक्शन सिर्फ ये वेजिटेशन कवर का स्टडी करने के लिए यूज होती है, जिसमें नेचुरल वेजिटेशन है वो रेडिश कलर के अंदर हमें शो होती है। ये फिल्म का जो एरियल फोटोग्राफी के अंदर यूज होती है।